अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं बगारी सेम की फली, यानी कि बिना गोश्त की। ये वेजिटेरियंस भी ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, ये है सेम की फली, ये है आधा किलो सेम की फली, आधा किलो यानी 500 ग्राम, और ये है पोटैटो, आलू। आलू हमें लगेंगे पौ किलो के करीब, पौ किलो ना ले ज्यादा, बच्चों को पसंद है हमारे पास इसलिए हम इतने आलू ले रहे हैं। और ये है एक बड़ी प्याज की डल्ली, मतलब ऑनियन। बड़ी है तो आपके पास बड़ी ले सकते हैं या दो छोटी प्याज की डल्ली। और ये है धनिया यानी कि कोथमीर, इसको अच्छे से चॉप कर लें, बारीक बारीक से कट कर लें। और ये है ग्रीन चिल्ली टोमेटोस, 2-3 छोटे छोटे टोमेटोस ले लीजिए, 2 या 3। ये है छोटी मेथी, और इसके साथ ले जाएगा रेड चिल्ली पाउडर, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक यानी कि हल्दी, और ये है नमक। ओके, ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हमें। आप कुकर में, प्रेशर कुकर में ऑयल ऐड कर लें। ओके ना, आपको जितना, अगर आप डाइट पे हैं तो कम ऑयल ऐड करें। हमने इसमें थोड़ा सा एक पल्ली के उतना ऑयल ऐड कर लिया है, देखिए आप देख सकते हैं। आप इसको गर्म होने के लिए दें। नेक्स्ट आप इसके अंदर जो आपने ऑनियन कट की वो ऑनियन को ऐड करना है। ओके, इसको हल्का सा रेस्ट कर लें। ओके, आप इसको हल्का सा भून लें ऑनियन को, इसको आप हल्का सा भून लें। देखिए आप इतना प्याज भूनने के बाद इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को ऐड कर लें हम। देखें, देन हल्दी, लाल मिर्च पाउडर एंड नमक, पूरी इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लें। मसालों को अच्छे से भून लें और मिक्स कर लें 10 सेकेंड्स के लिए। इसके अंदर हम ऐड करने वाले धनिया, फिर आप कोथमीर को ऐड कर लें, फिर हरी मिर्ची जो हमने कट करके रखी थी। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें अच्छे से। अब इसमें हम टमाटर मिक्स करेंगे। अब सबको अच्छे से भून लें। देखिए आप किस तरीके से मिक्स कर रहे हैं, ऐसे मिक्स कर लें इसको। देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं, और स्मेल भी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है इसकी, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। हम ऐड कर रहे हैं मेथी, मेथी को भी अच्छे से मिक्स कर लें आप। 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही सिम पे छोड़ दें। ये अच्छे से 80% पक जाना चाहिए टमाटे वगैरह। अब 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए आप कैसे अच्छा तेल नजर आ रहा है ना। अब इसमें हम फली ऐड करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है पोटैटोस। अब हम इसमें आलू भी मिक्स कर देंगे। आप इसे अच्छे से मिक्स करें, देखिए कितना प्यारा कलर दिख रहा है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें छोटी गिलास से 1/2 ग्लास वाटर ऐड करें। ये पानी ऐड करने के बाद आप प्रेशर कुकर को 3 सीटी होने के बाद प्रेशर कुकर को रिमूव कर देंगे। ये हमारा सालन रेडी हो चुका है, आलू का सालन रेडी टू सर्व। आप इसे रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, मजे करें।